कर्नाटक में बीजेपी को लग सकता है तगड़ा झटका। तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार, दूसरे नंबर पर रह सकती है बीजेपी। शिंदे बनाम ठाकरे की जंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। खतरे में सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के आसार। पीएम मोदी आज 5,800 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। वैज्ञानिक प्रगति एक्सपो का भी होगा आगाज। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने कसी कमर। महागठबंधन की कवायद जारी। आज शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे सीएम नीतीश। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। 38 जिलों में होगा मतदान। 13 को आएंगे नतीजे। गाजियाबाद मेरठ समेत कई जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर किया गया फैसला। एनसीपी नेता जयंत पाटिल को ईडी का नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। बिहार में सीएम नीतीश को लगा झटका। नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पंजाब पुलिस ने सुलझाई अमृतसर धमाके की गुत्थी। 5 लोग गिरफ्तार। डीजीपी ने दी जानकारी। मौका चक्रवात को लेकर पश्चिम बंगाल में अलर्ट। एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात। कई राज्यों में बारिश के आसार। पाकिस्तान के ताजा घटनाक्रम को लेकर भारत में अलर्ट। राजस्थान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी संख्या में सेना तैनात। इमरान की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनों पर पाक सेना का बयान। कहा पीटीआई के कुछ नापाक नेताओं की है साजिश। यूएन में चीन ने फिर दिया पाकिस्तान का साथ। जैश के आतंकी अब्दुल रऊफ को ब्लैक लिस्ट में डालने के भारत के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। इमरान खान के समर्थकों का हल्ला बोल। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के घर पर किया हमला। पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे अमेरिका। 22 जून को बाइडेन के साथ करेंगे डिनर। दोनों देशों के बीच रिश्ता मजबूत करने पर होगी चर्चा। हरे निशान पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 100 अंकों की बढ़त। निफ्टी 18,300 के पार। 3 सरकारी बीमा कंपनी में प्रदर्शन पर नजर। प्रदर्शन के आधार पर डाली जाएगी 3,000 करोड़ रुपए की पूंजी। हरियाणा के नए जामताड़ा पर ताबड़तोड़ एक्शन। 35 राज्यों के 28,000 लोगों से 100 करोड़ की ठगी। 84 अरब डॉलर पहुंचा भारत यूएई व्यापार। द्विपक्षीय कारोबार उच्चतम स्तर पर। इंजन समस्या के गो फर्स्ट के आरोपों को यूएस की कंपनी ने बताया बेबुनियाद। दी चेतावनी।